जाके चीख चिल्ला के ऐसे तैसे करा के आ गए हम वापस बॉम्बे। ऐसा कुछ नहीं होता भाई कि डर पे जीत हासिल हो, दो चार एक्स्ट्रा डर लेकर वापस आए दो चार ने बहुत फोबिया, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया था बहुत गहरा, मुझे पता मुझे याद भी नहीं, बचपन में कहीं बहुत छोटी थी तब से मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया था और है अंधेरे से डर लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें, अगर मेरे किचन में कॉकरोच किसी ने कह दिया ओ कॉकरोच, मैं अपने बेड के वहाँ बेडरूम में बेड पर चीख के बोलती निकलो निकलो जल्दी निकलो कॉकरोच निकलो। सो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको हर चीज़ से डर लगता है। और हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, हॉलीडे के नाम पे हम वाइल्ड लाइफ देखने के लिए एक बंद जीप में जाते हैं, ऐसे ऐसे देख के फोटो खींच के वापस आ जाते हैं। यू एक्चुअली व्हेन यू मीट चीताज एंड लायंस एंड एवरीबॉडी अराउंड यू, इट्स एन एक्सपीरियंस। सो यार एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, पहली बार केप टाउन गई थी, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। लेकिन पूरे मतलब पूरा सीजन में सिर्फ चीखी हूँ क्योंकि मुझे इतना डर लगता है, मतलब क्रीपी क्रॉल से और फिर रेप्टाइल से। और मैं इसका ये मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप नॉर्मली ठीक है, आप लोग भी हैं आई एम श्योर यू ऑल आर वेरी ब्रेव, पर यहाँ से एक अगर चूहा भागे यहाँ आधे से लगे आउच 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 करना शुरू कर देंगे, बिकॉज दैट्स व्हाट इट इज। अब आपको कहीं बंद करके हजार चूहे आप पे डाल दें तो आप चीखेंगे नहीं, तो क्या कर सकते हैं। दैट्स द ओनली थिंग, बहुत डरावना था मेरे हिसाब से, ये सीजन बहुत ही ज्यादा डरावना है। हम लोगों ने काफी डेयरिंग दिखाई है, बट हमारे हिसाब की ट्रेनिंग, आपके हिसाब की ट्रेनिंग, हमसे जितना हो सका उतना की डेयरिंग दिखाई है। रोहित सर के साथ भी पहला एपिसोड में कौन सा स्टंट था, दूसरे एपिसोड में कौन सा स्टंट था, बहुत थे ऐसे। इनफैक्ट एवरी एपिसोड ओके, आपको मैं सच बताऊं, हम हमेशा सोचते हैं जब हम देखते हैं वीडियोस और एपिसोड्स देखते हैं तो हमको लगता है ये स्टंट हम कर लेंगे यार। हम हाँ आपस में भी बात करते थे, जब कोई और कर रहा होता है ना तो हमको लगता था खतरों के खिलाड़ी। अगर आपकी कैपेसिटी आपकी कम्फर्ट लेवल पे आपके स्टंट होने लगे तो मतलब ही नहीं है। सो या थैंक यू थैंक यू थैंक यू।